अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मलिक एग्री गॉड फिश फार्म रुकनपुर रहीम यार खान। आज हम आपको कपास में सफ़ेद मक्खी तेले का बेस्ट सलूशन और सस्ता सलूशन बताएंगे। अगर आपके कपास में हल्का फुल्का तेला आ रहा है या सफ़ेद मक्खी आ रही है तो आप इसको हल्का फुल्का अमीडा कर सकते हैं। FMC का अमीडा बहुत अच्छा रिज़ल्ट दे रहा होता है। आप हर 6 दिन बाद 7 दिन बाद अगर शुरू में स्प्रे करते रहें तो अच्छे रिज़ल्ट आ रहे होते हैं। इसके साथ एक्टारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंजेंटा कंपनी का तेले के लिए बहुत अच्छा है। अगर मक्खी का थोड़ा बहुत अटैक हो तो अमीडा उसको कंट्रोल कर लेता है। इसके साथ ये तेले और थ्रिप्स, ये तेले और सफ़ेद मक्खी का हमने आपको एक्टारा भी बता दी है और अमीडा क्लोपाइड FMC का, उसका भी अच्छा रिज़ल्ट आता है। इस तरह कॉन्फिडोर है बायर कंपनी का, उसके भी अच्छे रिज़ल्ट हैं। सफ़ेद मक्खी और तेले पे बहुत ही कंट्रोल रिज़ल्ट है, बहुत आला रिज़ल्ट है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। FMC का कॉन्फिडोर है जिसमें अमीडा क्लोपाइड जहर है FMC का, और इसके साथ कॉन्फिडोर बायर कंपनी का है उसमें भी अमीडा क्लोपाइड है। इस तरह एक्टारा है सिंजेंटा कंपनी का, ये भी तेले के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। तो इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कंट्रोल कर लेंगे। और थ्रिप्स के लिए, इसके लिए हम अलहदा एक वीडियो बनाएंगे कि थ्रिप्स अगर कपास को लगी हो या माइट्स वगैरह हो तो उनके लिए कौन कौन से स्प्रे होने चाहिए। ये हमने आपको बता दिया सलूशन। मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मलिक एग्री गॉड फिश फार्म को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।